तो तुम सब लोग ने बोल रहे थे कि ब्लॉग्स बनाओ, तो मैं सोचा ये मेरा बेस्ट प्लेस है, ये मेरा घर है, तो सोचा मैं अपना ब्लॉग अपने घर से स्टार्ट करूं और मैं आप सब के लिए एक छोटा सा मिनी ब्लॉग लाई हूं जो मैं आपका हम मेरा घर का टूर कराऊंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि हम लोग के घर में ना थोड़ा थोड़ा सब्जी वब्जी सब कुछ उगाते हैं। सबसे पहले तो हम शुगर केन को जाके देखेंगे और एक काटेंगे और खाएंगे। ओके, आओ आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। गाइस, ये शुगर केन है, हम लोग मेरा मम्मी ने ये सब कुछ उगाया है। ठीक है, तो मैं सोचा एक काटूं और खाऊं, बहुत स्वीट है, मम्मी ने बोला। तो एक काटती हूँ, जाती हूँ, चलो 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 इधर से चलो। जहाँ मेरे मम्मी प्रेयर करते हैं सुबह सुबह, इसको आसामीस में नामघर बोलते हैं, और आप लोग मंदिर बोल के भी सोच सकते हो। इधर आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो चप्पल को खोल लेती हूँ, नहीं तो मम्मी मारेंगे। तो ये देखो, इधर आओ, ये हम लोग का छोटा सा एक मंदिर है जिसको आसामीस में नामघर बोला जाता है, और आप लोग इसको मंदिर सोच लो जहाँ पे मेरा मम्मी आके सुबह शाम प्रेयर करता है और भगवान को पता है। एनीवेज, जो के पास, बट यहीं पे हम लोग का पूजा होता है, क्योंकि अंदर में सोचते हैं ना सब, कुछ कुछ प्रॉब्लम के कारण वो किया नहीं जाता, इसलिए एक्स्ट्रा से इसे बनाया गया है इधर। चलो, अभी मैं आप सबको मेरे घर के अंदर जहाँ सब्जी उगाते हैं वहाँ लेके जाऊँगी। यहाँ से नहीं जा सकते, उधर से जाना होगा। चलो घूमते, ये मेरा घर दिखाओ, और ये मेरा भैया का गाड़ी जिससे वो काम करके मेहनत करके पैसा वैसा उगाता है। अब ये आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ पे मेरे मम्मी ने कुछ सब्जियाँ उगाया है। पता है ना सब्जी का कॉस्ट कितना होता है, तो मेरा मम्मी ना लाइक बाजार से कम खरीदते हैं और यहाँ पे उगा के जो निकालते हैं उसी को खाते हैं। उसी को ही बेचने जाते हैं। हाँ, ये मेरा भैया का आवाज है, वही मेरा शूट कर रहा है आज। और उसको एक्चुअली नहीं बेचते, मेरा मम्मी ऐसा कुछ नहीं करता है, जो उगाते हैं उसी को खा लेते हैं। वो मेरे भैया मजाक कर रहे हैं, बाद में बड़ा बड़ा होगा तो आप लोग को भी देने आएगा। हाँ, एक फोटो तो पक्का खींचूंगी इधर दिखे। और ये सब जो पेड़ लगे हुए हैं, ये सब कुछ बेटर नट्स के है, कुछ कुछ है, ये मेरा मम्मी, ये सब गच्छ, ये जितने भी गच्छिया है ना, ये सब मेरे मम्मी ने किया है, खुद किया है। ये है, व्हाट इज दिस, मिर्चा, मिर्चा बोलता है, मिर्चा ही है, बट इसको ना कुछ आसामी से कुछ कुनकुरी जोली का बोलता है, बहुत स्पाइसी होता है ये। ठीक है, छोटा चिल्ली, इसको तो टच करना भी छोटा चिल्ली बड़ा धमाका। हाँ, बोलते है ना, छोटा छोटा चीज बड़ा धमाका, यही है वो। बहुत डर लगता है मुझे, टच भी नहीं करूं उसे। ये बता, ये भी सेकंड पेर, ये भी है, आ जाओ खाओ, तो खाओ, एक तो खाओ। नहीं, बहुत स्पाइसी। और ये भी है कुछ सब्जियां जो कि ऑलरेडी निकल चुके हैं, देखो थोड़ा थोड़ा करके निकले हैं, आई थिंक ये एक दो महीने में तो हो ही जाएगा, है ना। चलो, आज क्या है ना, हम लोग का जो फिशरी पॉन्ड है ना, उसमें ना फिश पकड़ने आया है, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि फिश है भी कि नहीं ना। आ जाओ, ये हम लोग का पीछे का, ये आउटसाइड वॉशरूम है, जो बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, यू नो, कभी फिश पकड़ने, कभी खेत कर रहे हैं, कुछ ग्रास काटने, बोले तो पब्लिक टॉयलेट, ये पब्लिक टॉयलेट बोल सकते हो। और वो हम लोग का वाटर टैंकी, और ये हम लोग का वेल, बहुत ठंडा पानी आता है गाइस, नहाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, बट नहाना तो होता ही है। वहाँ पे देखो वो लोग पकड़ रहे हैं मछली, इधर देखो, ये हम लोग का बहुत बड़ा सा पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, हम इसी को खाते हैं। भैया, मछली मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। थोड़ा देखूं? वो आगे पे। कौन सा? वो खाट में। आगे, चलो चलो हम मछली देखेंगे, आओ आओ।
भैया लोग इतने ठंडे पानी में कैसे जा रहे हैं कुछ नहीं पता। रात को देख तुम भी जाओ मछली पकड़ने के लिए। नहीं मैं अगर गया तो खुजली होगा ये पानी से। ये बकरी अच्छी है, नहीं पहचानेंगे वो लोग। ये सामान जो है इसका इधर इधर ये देखो, ये आप लोग का फोन से उठाया है। देखो हुई सॉरी डरता है थोड़ा। ये देखो किसको सही है मछली, बहुत टेस्टी होगा ना। मैं तो बहुत सॉरी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हाथ को बाद में धो लेती। हे गाइस देखो वहाँ मेरा घर, और ये जो खेत है ये पूरा बाउंड्री वो हम लोग का है। बट हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, कर सकते हैं राइट यूटिलाइज, बट मेरे मम्मी अकेले रहती है तो यहाँ कुछ करते नहीं है हम, ये ऐसे ही है। तो सोचा अगर मुझे कुछ जॉब मिला नहीं कुछ हुआ नहीं तो मैं सोच रहा यही कुछ बरस एक स्टूडियो ओपन करेगा। पानी कितनी करेगा, चलो मैं कभी कभी यहाँ पे शूट कर लिया करती थी। ये देखिए मछली पकड़ के लेके आए। देखो भैया पकड़ो, इतना मेहनत भैया। हाई बोलो ना हाय। देखो ना कितना मेहनत से पकड़ रहे हैं यार ये लोग। मछली खाने में बहुत मजा आएगा, आप लोग भी आ जाओ गाइस खाने के लिए। आओ अब हम चलते हैं, मैं आपको सबको दिखाती हूँ कि हम लोग के घर में है। बाहर का बैकग्राउंड था, मैं बोल रही हूँ बट पीछे भी बहुत है, मैं इतना नहीं कलर कर सक रही हूँ, तो फिर भी मैं आप सबको शॉर्टली बता देती हूँ। हम लोग के घर में सब सब्जियाँ खरीद के नहीं उगाए जाते हैं और उसको खाया जाता है, ठीक है। और घर में तो है हम चार लोग, जिसमें से सिर्फ रहते हैं मेरे मम्मी, ठीक है, क्योंकि मेरा वैकेंसी खाली है। अभी आ सकता है कोई भी, ठीक है। अब हम लोग घर के अंदर गाइस, हम लोग ये जो घर है इसमें 9 rooms है, जिसमें से यहाँ मेरा भाई, यहाँ ये है, ये सब तो नहीं देख पाओगे अभी, अंधेरा होगा। पता है यहाँ पे बहुत ठंडा है, तो मैं सोच रही हूँ तुम्हें डिस्क्रिप्शन ऐसे बता दूँ कि यहाँ पे 9 rooms है, जिसमें से लोग सिर्फ 4 रहते हैं, वो भी घर पे नहीं, क्योंकि मैं तो मुंबई पे रहती हूँ आप सबको पता है, अभी तो मैं घूमने के लिए आई हूँ। और मेरा भाई कॉलेज कर रहे गुवाहाटी पे, और मेरा भैया रहते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, और यहाँ पे मेरी मम्मी रहती है अकेले, इसीलिए मेरा मम्मी को टाइम पास ये सब कुछ ना, सुबह होते हैं, ठीक है, ये सब करके बैठते हैं। आप अभी जितने भी ट्रीज, बनाना ट्रीज ये सब कुछ देखे हो ना, सब मेरे मम्मी ने की है। और हम जब हॉलीडेज पे आते हैं मजे लेके बनाने सब्जी सब खाते हैं। चलो ये है मेरा शॉर्ट वीडियो, मुझे आई होप आप सबको अच्छा लगे, और आप सबका जो विश था वो मैं पूरा कर दिया एक छोटा सा मिनी ब्लॉग्स बना के। और अभी से आपको छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, और मैं बहुत जल्द अरुणाचल के एक जगह जिसका नाम क्या है भैया, 00, हाँ मेरे भैया लेके जाएंगे, ठीक है, मैं वहाँ आप सबको मिलूंगी, कुछ वीडियोस बनेंगे आपके लिए, ठीक है, okay, चलो guys, see you.